हेलो दोस्तों, कैसा है सभी दोस्त। मैं हूँ आपका दोस्त राजेश कुमार मौर्या और आप देख रहे हैं मौर्या जी लाइव टच। तो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, क्योंकि इसमें हम लोग PSL के उन निवेशकों को इन्फॉर्मेशन देंगे जिन निवेशकों का बहुत कम पैसा आया है या फिर उन निवेशकों का पैसा आया ही नहीं। तो आज हम लोग इसी पर जो संगठन जो हमारे महेंद्रपाल सिंह जो काम कर रहे हैं इस पर संगठन पर, उन्होंने जो हम लोगों को एक साथ होने का बात बताई है, तो उस पर हम लोग बात बता करेंगे कि इस कमेटी द्वारा हम लोगों को कौन कौन से फ़ायदे होंगे, तो PSL निवेशक अपना पैसा कैसे ले, तो ये से भी हम लोगों को पूरा पैसा देगी या नहीं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मौर्या जी लाइव टच को, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि चिटफंड कंपनी से जुड़ी रहेंगी, जो आपके लिए नॉलेजेबल रहेगी और हर इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेस्ट दूंगा मैं। तो दोस्तों, आप लोग, मैं बता दूं कि अगर आप जिन निवेशकों का पैसा भी नहीं मिला है या फिर हम लोगों का निवेशकों का पैसा अभी तक आया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करता है, हमें समय लगता है हम लोगों को कि ये सेबी बेवकूफ़ बना रही है या हम PSL निवेशकों को बेवकूफ़ समझ रही है या फिर पैसा देना नहीं चाहती। ठीक, तो दोस्तों ऐसा करना है कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि जिससे सेबी हम लोगों को पैसा देने के लिए मजबूर हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा तो करना ही होगा जिससे कि सेबी हम लोगों को पूरा पैसा दे, यानी कि खाना पूर्ति वाला सिस्टम ना रहे कि जैसे इस टाइम हो रहा है कि हम लोग इतना सारा पैसा जमा करने के बावजूद, जैसे मान लीजिए हमने 5-10 हज़ार जो हमारे पास हो सका हमने जमा किया है कि हम बाद में ये काम आएगा, तो सेबी क्या करता है कि जहाँ 10-15 हज़ार मैंने जमा करने के बाद जब हम उसको रिफंड अपना लेना चाहते हैं तो वो हमको 1,000 या 500 इतना देता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, ना हमको इतना पैसा चाहिए, या हो सके तो हमारा पूरा पैसा दे, नहीं तो ये भी ना दे, खाना पूर्ति वाला काम नहीं है, हम लोगों को पूरा पैसा चाहिए तो चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एकत्रित होना है, जैसे कि पहले से हम लोग काम करते आए हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हम लोगों को होता आया है, ऐसे नहीं कि हम लोग जो संघर्ष करते हैं कि उसका हम लोगों को फ़ायदा नहीं है, नहीं, उसका जो हम लोग संघर्ष करते हैं उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा पड़ता है, मिलता भी है। तो इसी प्रकार हम लोगों अपना संगठन को कामयाब बनाएं, और महान महेंद्रपाल जी ने जो संगठन चलाया है, जो काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग उनका भी सहयोग दें, उनका भी मदद करें, जिससे कि हम PSL निवेशकों का पैसा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना हूँ, या फिर आप जो समझना चाहें समझ लीजिए कि महेंद्रपाल जी जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं PSL निवेशकों के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग भी उनका बहुत मदद करें, हो सके तो आप जितना भी हो सके आप लोग उनका सहयोग करें, उस मीटिंग में भी इनका सहयोग दें, जो हो सके आप लोग भी करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने अपना पैसा लेने के लिए सेबी को बेतोड़, यानी कि सेबी को दिखा देना है कि उनकी औकात क्या है, हम लोगों को पे जो पैसा लेकर भाग रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, पैसा देना नहीं चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे कि सेबी हम लोगों को पूरा पैसा दे, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा करने के लिए जब तक हम लोग एकत्रित होंगे नहीं तब तक हम लोग ऐसा कुछ कर सकते नहीं, जब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं तब तक सेबी पैसा हम लोगों को देगा नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग एकत्रित हो जाइए और एक होकर ये काम करिए, जो भी करना हो। बहुत लोग ऐसा उधर हो, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, ऐसा नहीं दोस्तों, हम लोगों को पूरा पैसा लेना है। इसलिए तो दोस्तों, यहाँ पर आ गई है कि यहाँ पर बहुत से दोस्त बोलते हैं, जैसे मैंने एक बहुत, यानी जब दिल्ली में मीटिंग हो रही थी रामलीला मैदान में जब चल रहा था, तो मैंने बहुत से दोस्तों बोला कि चलिए दोस्त, मैं अभी चलिए वहाँ पर कुछ देख लेता हूँ कैसा क्या होता, तब बोले कि पैसा हमारा फंसा हुआ, तुम्हारा नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो नहीं करना ना चाहिए ना,
कि मान लीजिए हम लोग सहयोग करें और आप लोग भी पीछे हट जाएँ, तो बोले कि नहीं बाद में चलेंगे, या चलेंगे वो चलेंगे, तो ऐसा नहीं करना दोस्त। जहाँ पर हो सके अगर कोई कुछ हो रहा है विषय के मामले में तो आप लोग तुरंत पहुँचिए और जो हो सके आप लोग भी सहयोग करिए ताकि हम लोगों का पैसा भी मिल जाए। ओके दोस्त, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बस इतना इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप PSL का पैसा लेने के लिए आप लोग एकत्रित हो जाइए और सभी का सहयोग रखिए। और जो भी संगठन हम लोगों को पैसा दिलाने में मदद कर रही है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी उसका मदद करें ताकि उसके थ्रू हमको पैसा भी पूरा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और भी अधिक से अधिक से वीडियो को शेयर करेगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू फॉर देखने के लिए।